हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज हम पीको मशीन में हमारी सुई बार बार धागा क्यों तोड़ती है उस पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे रीज़न है फ्रेंड, तो चलो मैं उस रीज़न को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड, नंबर वन रीज़न हमारा क्या है कि हमें जो पीको मशीन है, देखो हमें मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो जो ये हमारा मशीन है, इसमें हमें धागा एकदम परफेक्ट तरीका से लगाना होगा। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने धागा को एकदम सही ढंग से लगाया, ठीक है। तो ये नंबर वन रीज़न है फ्रेंड। अगर आपकी मशीन में इस तरह से धागा अगर नहीं लगी होगी तो नॉर्मली बात है फ्रेंड, आप स्टिचिंग करोगे और धागा तो टूटेगी ही। दूसरा पॉइंट फ्रेंड, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर धागा देखो इस तरह से मोटा है, आप देख रहे हो, ठीक है। देखो इस तरह से धागा मोटा है, तो फ्रेंड ये क्या होगा, इस तरह से अगर आप मोटा धागा लगाओगे, स्टिचिंग करोगे, तो फ्रेंड क्या होता है कि वो भी जब आप स्टिचिंग करोगे तो धागा टूटेगी। तो फ्रेंड जब भी आप धागा लेते हो तो आप एक चीज़ ध्यान दे लो कि आप जब धागा ले रहे हो तो वो धागा पतली हो, ठीक है। आपको उतनी भी पतली नहीं लेनी है, ठीक है ना। आपको जो हमारा मीडियम साइज का धागा आता है उस तरह का लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का धागा लेना है। देखो इस तरह का आपको धागा लेना है। देखो मैं आपको दोनों धागा में डिफरेंस दिखाती हूँ। देखो तो फ्रेंड मैं आपको दोनों धागा में फ़र्क दिखाती हूँ। देखो हमारा ऑरेंज वाला धागा मोटा है, ठीक है फ्रेंड, देख रहे हो ना। और हमारा जो पिंक वाला धागा, देखो ये ऑरेंज वाले धागे की अपेक्षा ये पतला है, ठीक है। तो हमें इस तरह का धागा लेना है मार्केट से। धागे से स्टिच करेंगे तो धागा तो हमारा टूटेगा, नॉर्मली बात है, और हम परेशान होते रहेंगे कि हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें गलती नहीं करना है सिलाई के दौरान, ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा हमारा क्या है, अगर सुई फ्रेंड अगर उल्टी लगती है पीको मशीन में, ठीक है, तो भी हमारा धागा टूटता है, ठीक है। तो जब भी हम सुई लगाते हैं तो हमें चेक करके लगाना है कि सुई हमारे लगाने का तरीका वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है फ्रेंड, जब हम मशीन की सुई किसी भी दुकान से खरीदते हैं तो फ्रेंड दो तरह की सुई आती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सुई है, एक डुप्लीकेट आता है और एक ओरिजिनल आता है, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल सुई लेना है, ठीक है। तो हम ओरिजिनल सुई का इस्तेमाल करेंगे मशीन में, धागा टूटने का ये भी एक कारण है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि हम ओरिजिनल सुई लें, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट क्या है फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ। पांचवा पॉइंट ये, अगर जब हम सिलाई करते हैं, ठीक है, बहुत दिन हो जाती है, एक दो महीना या डेढ़ महीना इस तरह से हो जाती है, ठीक है। और सिलाई करते हैं और क्या होता है, अगर हम मोटा कपड़ा सिलाई करते हैं, ठीक है, मोटा कपड़ा फिटिंग का आता है ब्लाउज का, ठीक है। तो वो जो हम सिलाई करते हैं और क्या होता है कि हम थोड़ा सा सिलाई किए और हमारी धागा टूट गई, फिर हम थोड़ा सा सिलाई किए हमारी धागा टूट गई, थोड़ा सा सिलाई किए हमारी धागा टूट गई। इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो फ्रेंड आपकी मशीन में, तो आप क्या करो, तुरंत एक दूसरा सुई लगा दो, उस सुई को निकाल के रख दो और दूसरा सुई लगा लो फ्रेंड। इस तरह से भी कभी कभी होता है जब हम सिलाई करते हैं और हमारा धागा टूटते रहता है, ठीक है। तो अगर आप दूसरा सुई लगाओगे तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड हमारा छठा और लास्ट कारण क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पीको मशीन के अंदर शटल होती है, शटल में एक प्लेट होती है। जब हमारी मशीन 6-7 साल 8 साल स्टिचिंग हम कंटिन्यूसली करते हैं और वो कंटिन्यूसली करने के बाद फ्रेंड वो शटल घिस जाती है, तो क्या होता है जब हम स्टिच करते हैं उसके दौरान हमारा धागा टूटता है। ये हमारा सबसे लास्ट कारण है। तो फ्रेंड जब हमारा धागा टूटता है तो हमें क्या करना होगा, उस प्लेट को चेंज करना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो जो मैंने आज आपको बताया है, मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।